हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो है मुझे अपना पर्पस एक्सप्लेन करना है, पर ये वीडियो जो है ये एपिसोड 2 के कंटिन्यूशन में बन रही है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम उसी चीज़ पर बात करेंगे जो मैंने लास्ट एपिसोड में डिस्कस की थी। और वो ये है कि मैं यहाँ इटली रोम में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ फैशन एंड टेक्सटाइल में, और उसमें जो फील्ड है फैब्रिक इनोवेशन और डिज़ाइन, उसको मुझे हाईलाइट करना है। तो उससे पहले जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका जो थोड़ा इंट्रोडक्शन है, अगर हम वो स्टार्ट करें तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम जो है पिछले 4 साल की बात करें जो मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई, कहानी कुछ यूँ है कि हाई स्कूल के बाद जब मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए अप्लाई किया तो मेरे पास 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन थे। नंबर 1 बीइंग कराची यूनिवर्सिटी, नंबर 2 इंडस वैली, नंबर 3 इंडस यूनिवर्सिटी इकड़ा IIFT, एंड नंबर 5 टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान TIP। तो मैंने इन पे थोड़ा रिसर्च की और मुझे टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान जो है इस फील्ड में बेहतर लगी, क्योंकि वो प्योरली एक टेक्सटाइल्स की ही यूनिवर्सिटी है, तो मुझे उसमें काफ़ी एज नज़र आया। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग रहा। 4 साल जो मैंने वहाँ गुजारे वो काफ़ी अमेजिंग थे, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और आगे का जो पार्ट आप देखने वाले हैं वो TIP की कुछ यादों के नाम जो मैंने वहाँ गुजारे हैं, तो मुलाहिज़ा फरमाइए। ये थी कहानी टेक्सटाइल टू पाकिस्तान तक की, कि मैंने वो वहाँ जो 4 साल गुजारे हैं वो मेरे कैसे रहे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ मैं इटली रोम में हूँ और यहाँ जो है फैब्रिक इनोवेशन और डिज़ाइन में जो है स्टडी कर रहा हूँ, कि मैं अपने बैचलर्स की जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, और वही चीज़ें जो हैं आगे मैं फर्दर स्टडी कर रहा हूँ एक नए आइडिया और एक नई अप्रोच के साथ। तो वो मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल से बातें कम की जाएँ और अगर आपको काम ज़्यादा दिखाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ का जो है मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नज़ारा कराता हूँ, तो मुलाहिज़ा फरमाइए। एकेडेमिया कॉस्ट्यूम और मॉडर्न। एकेडेमिया कॉस्ट्यूम और मॉडा, और होपफुली जो चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा वो चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन देना काफ़ी ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल से अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेटर होंगी और अंडरस्टैंडिंग उसमें जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं मिलान गया था और मिलान से मैं बीएलआ गया था, तो बीएलआ में क्यों गया था और वहाँ मैंने क्या किया और वहाँ मैंने क्या देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। और अभी क्योंकि मेरा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में मैं जो चीज़ें करने वाला हूँ उन चीज़ों को करने के लिए ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी थी, तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए उम्र यार आउट।